राठौड़ आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड आज का जो कलेक्शन होने वाला है ना, वो भी साड़ियों का कलेक्शन है। एंड आज मैं बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई हूँ, बहुत सारी। एंड साड़ियों की प्राइस की बात करें ना, तो 500 से स्टार्ट है एंड 5000 के बीच की है सारी की सारी साड़ियाँ। एंड हर टाइप की साड़ी है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए एंड देखिए कि साड़ी कैसी है और कैसी नहीं। तो ये है हमारी इतनी सारी साड़ियाँ एंड ये बहुत ज़्यादा वेट में है, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ, इसमें से कुछ साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हेवी है एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको साड़ियाँ दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आप भी बिना ब्रेक के साड़ियाँ देखिए और बताइए आपको कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी, कौन सी नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सी साड़ी सबसे पहले दिखाऊँ? चलो मैं आपको सबसे पहले लाइट वेट वाली साड़ियाँ दिखाती हूँ, जो हम डेली बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सबसे हल्की वाली साड़ी दिखा रही हूँ एंड इसकी रेट है 500 एंड ये बहुत ही लाइट वेट है एंड ये डेली यूज वाली साड़ी है। इन्हें हम घर पे आराम से पहन सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले हम साड़ी के पल्लू की बात करते हैं एंड इसमें जो भी है साड़ी के अंदर ही डिजाइन किया हुआ है, प्रिंट जैसे बोलते हैं वो है। एंड बस थोड़ा सा दूर दूर स्टोन लगे हुए हैं एंड हल्की सी साड़ी के अंदर लेस है, छोटी सी एंड बहुत ही प्यारी सी लेस लगी हुई है। तो ये हमारी डेली वेयर वाली साइड ही है, ज्यादा हीवी नहीं है। एंड आप साथ में वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पे ये कितनी प्यारी लग रही है बांधने के बाद, ये देखिए। ये पूरी साड़ी सिंपल है, कुछ भी ओवर नहीं किया हुआ है एंड ये मेहरून कलर की है। साथ में इसमें बहुत सारे कलर एड है, जैसे कि ब्लू कलर एड है, रेड कलर एड है, ग्रीन कलर एड है। मतलब ये जो मल्टी कलर है ना, इसमें सारा मल्टी कलर का प्रिंट किया हुआ है, जो कि ये हमारी डिजाइन बनी हुई है ना, ये सब मल्टी कलर की है। तो ये मोस्टली जो हम देखते हैं ना साड़ी, तो ये मेहरून कलर में दिखती है। बाकी अगर हम अच्छे से गौर करके देखें ना, ऐसे एकदम पास लेके देखें, तब हमें इसका जो डिजाइन है, जो पैटर्न बना हुआ है, वो दिखाई देगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, देखिए। तो ये हमारी सिंपल सी साड़ी डेली बेस के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट है, बांधने में भी बहुत अच्छी है, आप आराम से इसे बांध सकते हो। और मुझे तो इतनी प्यारी लगी ये बांध के, क्योंकि मैंने वेयर करी है ना, तो मुझे पता है बहुत प्यारी लगी थी। एंड इसी के साथ का ब्लाउज मैंने स्टिच किया था, तो मैंने इसी के साथ का वाला ब्लाउज ही पहना है, इसके साथ और कुछ नहीं ऐड। वैसे चाहो तो आप इस पे ब्लैक कलर का ब्लाउज भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बार लगा कि मैं जितना हो सके जो साड़ी के साथ का ब्लाउज आया, मैं बस वही स्टिच करूँ, वही पहनूँ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ना अब ब्लाउज के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने कुछ के स्टिच कर लिए, कुछ के नहीं करे। तो ये हमारी फर्स्ट साड़ी है एंड ये ऐसी साड़ी है। नेक्स्ट वाली साड़ी हमारी ये है एंड ये दो कलर के अंदर है, ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है। ये भी साड़ी हमारी 500 के अंदर ही है एंड ये देखिए, इसमें ऊपर और नीचे येलो कलर का सेट बना हुआ है एंड बीच में पूरी ग्रीन कलर है। और इसमें देखिए, इसमें भी लेस लगी हुई है, पतली सी लेस है, कुछ भी ज्यादा वर्क वगैरह नहीं है, सिंपल सी लेस है। एंड इसमें जगह जगह छोटे छोटे स्टोन लगे हैं एंड ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगी थी। एंड इसके साथ जो ब्लाउज आया था ना, वो येलो कलर का सा थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब उसका फैब्रिक अजीब सा था, तो मैंने इसके साथ दूसरा वाला येलो कलर ऐड कर लिया। एंड देखिए हमारी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है इसके साथ भी। एंड इसमें जो लेस लगी हुई है ना, वो ग्रीन कलर की लेस लगी हुई है एंड येलो पैटर्न के ऊपर ग्रीन कलर है, बीच में हमारा ग्रीन है। एंड बताइए आपको ये साड़ी कैसी लगे कैसी नहीं। मुझे तो देखो ये साड़ियाँ बांध के बहुत अच्छी लगती है, बेसिक इनकी प्राइस कम होती है, बट जो बांध के कंफर्टेबल फील होता है ना एंड जो हमें मतलब पहन के जो फील होता है ना अच्छा वाला, कि हाँ हमने साड़ी पहन रखी है बट थोड़ा भी इरिटेट नहीं कर रहे ना, तो वो साड़ी हमारे लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट वाली साड़ी हमारी ये है एंड ये कलर भी बहुत प्यारा है। ये जितनी भी अभी मैंने स्टार्टिंग में साड़ियाँ दिखाई ना, इनकी सेम प्राइस है 500 के अराउंड एंड ज़्यादा नहीं है। एंड इसमें ज़्यादा वर्क वगैरह भी नहीं है, ये तो एकदम ही सिंपल सी साड़ी है। इसमें देखो ये इस टाइप का जिगजैग टाइप का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, पैटर्न जिसे बोलते हैं, और ये बांध के सच में बहुत प्यारा लुक आ रहा था। मतलब इसकी जो प्लेटें बनी थी ना, आप देख सकते हो इसकी जो प्लेटें बनी थी, कितना अलग, मतलब कुछ डिफरेंट लुक लग रहा था। एंड इसका पल्लू भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए। एंड इसके साथ भी मैंने सेम येलो वाला ही ब्लाउज पहन लिया था, क्योंकि इसमें येलो ऑरेंज बस ये दो ही कलर आ रहे थे एंड सेम ब्लाउज था ना, वो तो सेम साड़ी के जैसा ही था, तो वो मैंने स्टिच नहीं किया। वैसे मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि मैं साड़ियों के ही ब्लाउज ऐड स्टिच करूं, बट नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ फैब्रिक मुझे अजीब सी लगी, तो मुझे लगा कि शायद
इनकी मेहनत करना बेकार है, हम इसके साथ ये वाला ब्लाउज चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप खुद देखो ये इतना प्यारा लगा था। एंड इसकी लेस में ना दो टाइप का पैटर्न बना हुआ है, एक तो जो सेम साड़ी का कलर है वही है लेस, एंड बीच में येलो कलर दे रखा है, एंड तीसरी जो लेस लगी हुई है ना जो हल्की सी है, ज्यादा दिखाई नहीं देगी, अगर आप पास से देखोगे ना तभी आपको वो लेस दिखाई देगी, वो बहुत ही प्यारी गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है और जो कि जिसमें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन भी बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि ऐसे सिंपल वाली लेस है, इसमें जो गोल्डन वाली लेस है ना उसमें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो साड़ी में पहन रखा है। तो अभी तक जो साड़ियाँ दिखाई है ना वो 500 के नीचे की साड़ियाँ थी, एंड अब जो साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ ना वो 500 से ऊपर की साड़ियाँ, एंड अब ऐसे प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारी साड़ी, एंड ये बहुत ही प्यारा रेड कलर है, ये देखिए। एंड ऐसे साड़ियाँ मैंने पहले भी वेयर की, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना तो वहाँ पे आपको मेरी इस टाइप की बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन दिख जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिख जाएगा, एंड ये है इस बार रेड कलर में। ये वाली साड़ियाँ पहन के ना बड़ा मस्त वाला फील आता है, इतना कंफर्टेबल आता है, मतलब चलने का मन करता है, पूरे दिन इधर जाओ उधर जाओ, चाहे कुछ काम भी ना हो साड़ी को पहन के ना घूमने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, इतनी प्यारी साड़ियाँ होती है। एंड ये देखो पहन के भी कितनी प्यारी लगी। एंड इसके साथ भी ना सेम ब्लाउज आया था बट मैंने डिफरेंट वाला ब्लाउज ट्राई किया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है हमारी साड़ी का पल्लू, एंड देखिए कितना प्यारा इसमें लटकन लगा हुआ है, एंड आजकल मोस्टली सभी साड़ियों में मतलब ये लटकन लगी हुई होती है जिससे साड़ी हमारी और अच्छी लगती है, एंड मोस्टली लेडीजें साड़ियों के ऐसे आगे करके चलती है ना तो ये वाली लटकन ऐसे साइड में आ जाती है, अगर वो सर पे लेके मतलब रखती है तो ये वाली जो लटकन होती है ना देखिए ऐसे साइड में आ जाती है, तो ये एक अलग सा लुक क्रिएट हो जाता है इससे, ऐसे सर पे लेने से ये इधर आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ये लटकन देते हैं ना तो साड़ी बहुत अच्छी लगने लगती है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ये देखिए, एंड ये बांध के भी बहुत प्यारा लुक क्रिएट हो रहा था, आप साथ में देख सकते हो, एंड ये ज़्यादा हेवी भी नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग एंड साड़ी के वेट के अकॉर्डिंग। और अब नेक्स्ट वाली साड़ी है हमारी एकदम लाइट ग्रीन कलर की साड़ी है ये देखिए, एंड इसमें भी स्टोन लगे हुए हैं, आपको चमक रही है ना ये साड़ी, तो इसमें भी स्टोन लगे हुए हैं। यहाँ से तो हमारी साड़ी का ये पल्लू है जिसमें पूरे में स्टोन लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ का जो पैटर्न आता है जो हमारी साड़ी की प्लेटों में आता है ना वहाँ पे ऊपर की साइड तो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है ओनली फॉर ये स्ट्रेट गोल्डन कलर की लाइनिंग के अलावा, एंड यहाँ नीचे देखा जाए ना तो नीचे स्टोन भी लगे हुए हैं, एंड पूरे में ये जो बॉर्डर बनाया ना ये पूरे में बॉर्डर है, तो ये हमारी साड़ी कुछ इस टाइप की है, एंड ये बांध के भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है, एंड इसका ब्लाउज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मतलब जैसे मैं नॉर्मल ब्लाउज सिलती हूँ ना इसे थोड़ा सा डिफरेंट मैंने ये ब्लाउज सिला है जिससे कि मुझे ये साड़ी थोड़ा और ज़्यादा अच्छी लगे। अब आप बताओ ये साड़ी आपको कैसी लग रही है, एंड इसका कलर कैसा लग रहा है, देखो लाइटों की वजह से ये और ज़्यादा लाइट कलर हो गई है, बाकी ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में है इसी वजह से इसके साथ में ना थोड़ा डार्क वाला ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, तो है ना हमारी साड़ी एकदम बेस्ट। नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये, एंड इसकी जो प्राइस है ना ये बहुत ज्यादा हाई है, वो किस लिए है वो आप साथ में देख सकते हो कि इसका जो ब्लाउज है ना वो एकदम इतना डिजाइनर ब्लाउज है, वो स्टिच किया हुआ ब्लाउज ऑलरेडी आया था, एंड इसका डिजाइन ना बहुत प्यारा था, पहन के भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो ये इसी वजह से थोड़ी सी महंगी है ये साड़ी। ये है हमारी साड़ी का पल्लू जिसमें चार लटकन लगी हुई है, एंड लटकन भी बनाई हुई है जो कि हमारा ब्लाउज का डिजाइन है ना सेम उसी फैब्रिक के अंदर ये लटकन बनाई गई है, एंड ये ज्यादा भी नहीं है चार ही लटकन है, एंड ये साड़ी का पल्लू है। इसमें भी सेम गोल्डन कलर की स्ट्रेट लाइनें करी हुई है जिससे लाइट में ये थोड़ा सा शाइन करती है साड़ी, एंड ये है ना मस्टर्ड कलर वाली साड़ी है, आपने देखा होगा ना ऐसे कलर कभी कभी पसंद आ जाते हैं, सेम वही है, एंड इसका ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ में ये ब्लाउज स्टिच आया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। बाकी की ये साड़ी हमारी कैसी है वो आप बता दीजिए, ये देखिए इस साड़ी में कोई भी वर्क नहीं है, बस वर्क के नाम पे इसमें जो चार लटकन लगी हुई है ना बस वही है, बाकी साड़ी में कोई काम नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं की हुई मुझे ऐसा लग रहा है साड़ी के अंदर, तो स्टोन लगाने की भी मेहनत नहीं की, मैंने अभी बताया ना कि सभी साड़ियों में मोस्टली स्टोन आते हैं बट इस साड़ी में नहीं है क्योंकि ये हमारी सिल्क वाली साड़ी है ना इसमें है ही नहीं, बस इसमें मेहनत के नाम पे ये ग्रीन कलर की पाइपिंग दे रखी है जिसकी वजह से ब्लाउज ऐड है,
बस वही ग्रीन कलर की पाइपिंग है, बाकी हमारी साड़ी में कोई काम नहीं है। एंड ये देखो पहन के तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या कहते हो आप? इस साड़ी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम मैं साड़ी को लेके आई थी ना, मतलब मेरी पिछली वाली वीडियो में ऐसी ही एक साड़ी और थी, तो मैं उसका नाम बताना भूल गई थी, बट इस बार मैंने इसका नाम याद कर लिया। मतलब जब ली है तो नाम पता होना चाहिए ना, तो नाम तो मुझे उस टाइम भी पता था बट वो मैं थोड़ा भूल गई थी, और बार बार मुझे याद करने पे भी याद नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि हम चाह कर भी वो चीज़ याद नहीं कर पाते, बस माइंड में तो होता है पर बोलने में नहीं आता है वो क्या था क्या नहीं, ऐसा रहता है। तो इस बार मैं आपको इस साड़ी का नाम बता दूँ, ये है हमारी जिम्मी चू की साड़ी है। तो देख रहे हो जिम्मी चू की साड़ी, मुझे सुन के भी पहला फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसी भी कोई साड़ी का नाम है। बट हाँ, इस साड़ी का नाम जिम्मी चू साड़ी है, और ये ना उसी टाइप से है। मतलब ये जब लास्ट टाइम मैंने पहनी थी ना, वैसे पहन की तो अच्छी लग रही थी बट पहनने में बड़ी प्रॉब्लम थी, सेम इस बार भी ऐसा ही हुआ, बट इस बार मैंने इसको रेडी नहीं किया है। मैं बस आपको दिखा देती हूँ कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, एंड इस पे जो वर्क किया गया है ना आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो मिरर लगे हुए हैं ना, ये ओरिजिनल वाले मिरर है, ये नहीं कि वो प्लास्टिक वाले मिरर वाला लुक पैटर्न बना हुआ है, लुक दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओरिजिनल वाले मिरर है जिनकी डिज़ाइन की हुई है अलग अलग शेप में, एंड जिसकी वजह से साड़ी में थोड़ा वेट हो जाता है। ये देखिए इसमें पूरी में मिरर लगा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे इस टाइप से आएगा, एंड ये पहन के तो बहुत अच्छी लगती है, एंड पहन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये पहनने में नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये, मतलब इन साड़ियों की मेरे साथ यही है, मुझे ये साड़ी पहनने के लिए एक स्पेशल बंदा चाहिए जो मुझे ये साड़ी पहना सके। अब बाकी मैं खुद भी पहनती हूँ तो कुछ इस टाइप से पहन लेती हूँ, ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करती, मैं मेहनत करती हूँ, बट जब तक मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर सेट ना हो ना कोई चीज़, मज़ा नहीं आता पहन के, चाहे कुछ भी हो वो। तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस साड़ी के अंदर, बाकी हमारी ये जिम्मी चू की साड़ी बहुत अच्छी है, एंड अभी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल साड़ी है, एंड इसके कलेक्शन मीशो पे भी है, बट मैंने मीशो से अभी इस टाइप की साड़ी ऑर्डर नहीं की है, तो मैं क्वालिटी का वहाँ का कुछ कह नहीं सकती कि कैसी आएगी कैसी नहीं। बाकी ये मार्केट की खरीद है, तो मार्केट में तो देखो हम खुद जाके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मांगते हैं, ये नहीं दूसरी दिखाओ, ये नहीं दूसरी दिखाओ, तो वो हमें बहुत सारा दिखा देता है, उसमें से हम पसंद कर लेते हैं। बाकी मीशो पे भी हम पसंद करते हैं ना, तो बट गारंटी नहीं है कि फैब्रिक जो आपने फोटो में देखा है कि वो ही आए या नहीं आए, बट ये हमारी मार्केट की खरीद है। अभी फिलहाल मैंने इसका ब्लाउज स्टिच नहीं किया है, एंड इन साड़ियों के साथ में ना ब्लाउज भी सेम इसी टाइप के ही अच्छे लगते हैं, बट मैंने अभी ये साड़ी दिखाने के लिए ये ब्लैक कलर का ब्लाउज ऐड किया है, जो कि इतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, बट इसकी साड़ी के साथ इसी का ब्लाउज ऐड करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगोगे। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी ये साड़ी लेनी है ना तो सोच समझ कर लेना, क्योंकि जितनी ये देखने में प्यारी लगती है ना उतनी ये बांधने में मुश्किल होती है। ये साड़ी पहन के तो बहुत अच्छी लगती है, बट इस साड़ी को कोई पहनाने वाला हो ना तब, अगर खुद से पहनने पर आ जाए ना तो इसकी प्लेटें ही सेट होने का नाम नहीं लेती। बाकी मुझे पल्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं मोस्टली सभी ये साड़ियाँ पहनती हूँ ना, जितनी भी फ्री पल्लू रखना पसंद करती हूँ, एंड फ्री पल्लू में तो आपको भी पता है कोई झंझट नहीं होता ना, एकदम सिंपल सा ऐसे करके रख लिया, बट यहाँ से जो इसके प्लेटें सेट करने होते हैं ना वही सबसे भारी होता है मेरे लिए, बाकी आपका मुझे पता नहीं। एंड ये हमारी जिम्मी चू की साड़ी आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बता दो। एंड नेक्स्ट साड़ी है हमारी ऑर्गेन्जा के अंदर, ये भी मैंने बहुत सारी वेयर कर रखी है, एंड फिर से एक ऑर्गेन्जा और लेके आए, एंड ये जो मैंने साड़ी वेयर कर रखी है ना ये भी सेम ऑर्गेन्जा है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। बट इस वाली ऑर्गेन्जा साड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एम्ब्रॉयडिंग का काम किया गया है, एंड बहुत ही प्यारे से ये शायद मोर बने हुए हैं या बत्तख बने कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बट ये पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये हमारी स्टाइल की साड़ी है, ये देखिए, एंड ये ऑर्गेन्जा वाली साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती है आजकल, मुझे सच में ये कुछ साड़ियाँ ज़्यादा ही पसंद आ रही, पहनने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड इसके साथ में मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं किया, जो कि ये मैंने वेयर कर रखा है ना, ये वाला ब्लाउज बहुत प्यारा लग रहा था, आप खुद देख लीजिए ना कितना अच्छे से सेट हो रहा था इसके साथ, तो फिर मैंने नहीं सिला। तो बाकी हमारी ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें ब्लैक और ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू सभी कलर का कॉम्बिनेशन है, एंड गोल्डन कलर का इसमें हल्का हल्का बॉर्डर बना हुआ है, गोल्डन कलर की इसमें हल्की सी देखिए पाइपिंग के अकॉर्डिंग लेस लगी हुई है, एंड ये है हमारा इस साड़ी का पैटर्न,
जो कि मोर है, बत्तख है, पता नहीं, क्योंकि ये उड़ते नहीं है ना, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा। और ये जो वर्क वाला दिख रहा है ना, ये भी हमारी साड़ी के पल्लू में ही है, और बाकी का हमारा साड़ी में नीचे की साइड में बने हुए हैं, थोड़े से डिस्टेंस के अंदर है, ज्यादा पास पास में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें गैप है। एंड उसके बाद ये बत्तख मोर जो भी है, ये प्रिंट बना हुआ है, मतलब ये डिजाइन बना हुआ है। बाकी इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, या तो कोई बाहर बेचने वाला आ जाता है, या लाइट चली जाती है, या कभी कुछ हो जाता है। अब बताओ ऐसे में मैं कैसे वीडियो बनाऊँ? ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या बेच रहा है क्या नहीं। एंड इस साड़ी की हम प्राइस की बात करें ना, तो इस साड़ी की प्राइसिंग भी 500 से स्टार्टिंग हो जाती है, बट ये वाली साड़ी हमारी 900 की है, जो कि मुझे काफी वर्थ इट लगी कि हाँ इस साड़ी के इतने पैसे तो बनते हैं। बाकी आप बताओ कि ये साड़ी कैसी लग रही है आपको, कैसी नहीं? मुझे नेक्स्ट वाली साड़ी हमारी ये है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी साड़ी है। प्यारी किस वजह से, एक तो इसका ब्लाउज बहुत प्यारा है, जो कि मैंने स्टिच करके साथ में इसे वेयर करा, आप खुद देख सकते हो पूरे ब्लाउज में वर्क किया है, स्लीव्स पे, फ्रंट में, बैक पे, चारों तरफ, मतलब जैसा ब्लाउज होता है ना, आगे पीछे सब जगह उसमें वर्क किया गया है। एंड इसमें जो पैटर्न है ना, बहुत प्यारा बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी का पैटर्न। ये पल्लू की बात कर लेते हैं, ये देखिए इतना प्यारा पल्लू है, एंड इसके पल्लू पे इतना प्यारा वर्क किया गया, इतनी मतलब क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में। तो मतलब ये जो फूल से बने हुए ना, ये भी फैब्रिक के बने हुए हैं, एंड ये देखिए कुछ अलग ही टाइप का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा पैटर्न लगा। एंड इसमें हर चीज यूज की गई है, चाहे वो स्टोन हो, एम्ब्रॉयडिंग हो, फैब्रिक हो, एंड ये जो गोल्डन वाला धागा आता है ना, वो भी इसमें डिजाइन किया गया है। इसमें गोटे का भी काम किया गया, मतलब इस साड़ी के अंदर आपको हर टाइप का डिजाइन मिलेगा, जो कि साड़ी को और अच्छा बनाता है। पहन के देखो कितनी प्यारी लग रही है ये साड़ी। स्पेशली इसका ब्लाउज था ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड साथ में साड़ी में देखो साइडों में बॉर्डर के साथ साथ इसमें बहुत ही प्यारी सी पाइपिंग भी दी हुई है, जिससे हमारी साड़ी और भी ज्यादा प्यारी लगती है। जो छोटी सी किनारी से निकली होती है ना, उससे हमारी साड़ी में ना मतलब चार चांद लग गए थे। एंड ये वाली साड़ी है ना, पूरी नेट की साड़ी है, बट आपको लग नहीं रहा ना ये नेट की साड़ी। हाँ, मुझे भी पहले नहीं लग रहा था नेट की है, बट जब मैंने इसे वेयर करा था ना, मैंने इसे एकदम पास से देखा, तब मुझे पता चला कि ये नेट की साड़ी है। एंड इतनी प्यारी नेट, सच में। एंड ये साड़ी है देखो, इतनी प्यारी, ये कितनी प्यारी साड़ी है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आप वीडियो में देख लो कि ये कितनी प्यारी लग रही थी। एंड इसे पहन के तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील रहा है, ये कितनी प्यारी साड़ी पहनी है मैंने, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। एंड मुझ पर ये काफी अच्छी भी लग रही थी पहन के, क्या बोलते हो आप लोग, अच्छी लग रही थी ना मुझ पर। नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये येलो कलर की साड़ी है, एंड इसमें भी गोल्डन कलर का वर्क किया गया है। ये देखिए, ये जो हमारा साड़ी का पल्लू है ना, इसमें ये जो वर्क दिखाई दे रहा है ना, ये जो लेस बनी हुई है, ये भी गोल्डन कलर की थी। अगर मैं येलो के साथ गोल्डन भी पहनती ना, तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता नहीं, ना ही ज्यादा डिफरेंस पता चलता, तो फिर मैंने येलो के साथ येलो ही ऐड कर लिया था। एंड देखो कुछ इस टाइप से लग रही है हमारी ये साड़ी। एंड इसमें जो ये स्टोन लगाने की हद की गई है ना, मतलब इतने पास पास ये स्टोन लगे हुए हैं कि किसी भी जगह नहीं छोड़ी है। एंड ये जिसकी वजह से और ज्यादा, मतलब ये देखिए लाइट में कितनी ज्यादा चमक रही है ना ऐसे। एंड इसका ना बॉर्डर भी अलग से नहीं किया, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, ये पूरा गोल्डन धागे का बना हुआ है। एंड ये हमारी साड़ी के कपड़े में, जो ये साड़ी का फैब्रिक है ना, इसी के अंदर बना हुआ है। मोस्टली लेस है ना, मैंने देखी है साड़ियों में, या तो अलग से लगी होती है, या फिर ऐसी बनी हुई होती है। एंड इसमें भी ये बनी हुई है। तो यहाँ से लेकिन यहाँ तक का हमारा साड़ी का पल्लू था, जिसमें पूरी में ये एक भी जगह नहीं है, सब में स्टोन लगा हुआ है। एंड अब जब आते हैं हम प्लेटों की तरफ, साड़ी में प्लेटों की तरफ, तो वहां पे नीचे की साइड आधा हिस्सा ही लिया गया है, जहां पे प्लेटें आती है वहीं पे स्टोन लगे हुए हैं, बाकी के स्टोन नहीं है। बाकी के ऊपर की साइड का ये सिंपल है, ये देखिए एकदम प्लेन वाला फैब्रिक है ऊपर की साइड में।
एंड ये वाली साड़ी है ना, ये बताओ कौन से फैब्रिक के अंदर? ये है जॉर्जेट के अंदर। एंड ये जॉर्जेट वाली साड़ी है ना, पहनने में बहुत इजी होती है। एंड इसकी जब हम प्लेटें सेट करते हैं ना, तुरंत सेट हो जाती है। आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, एंड ना ही इतनी ज़्यादा वो तामझाम करने पड़ देंगे, बार बार सेट करो, नीचे से सेट करो, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ से आप प्लेटें सेट कर दो ना, वो ऑटोमेटिक ही नीचे एकदम बन जाती है। तो नेक्स्ट वाली साड़ी हमारी ये है, एंड इसमें भी ये जो साड़ी है ना, इसमें भी दो सेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दो सेट वाली साड़ी है। आपको डार्क और लाइट दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा इस साड़ी के अंदर। एंड ये है हमारी साड़ी का पल्लू, जो कि यहाँ इतनी दूर में, जैसे कि बॉर्डर होता है ना साड़ी में, उसी टाइप में यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं, ऐसे इधर लगे हुए हैं एंड ऐसे इस साइड में लगे हुए हैं। और बीच की जो साड़ी है ना, एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी वर्क नहीं किया गया है एंड ना ही कुछ ऐड किया हुआ है, एकदम सिंपल साड़ी है, बस दो कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है। एंड ये वाली साड़ियाँ अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप की साड़ियाँ दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो मोस्टली आपको ये वाली साड़ियाँ दिखाएंगे ही दिखाएंगे। एंड ये जो जिमी चू वाली साड़ी मैंने भी आपको पहले दिखाई थी, वो वाली साड़ी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। एंड अभी कुछ टाइम से ऑर्गेन्जा वाली साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती है, मोस्टली सभी के पास ये वाली साड़ियाँ होती ही होती हैं, और मेरे पास भी ये वाली साड़ी है। ये देखिए, नीचे से एकदम सिंपल है, एंड यहाँ पे जहाँ से हम प्लेटें डालते हैं ना, वहाँ पे भी ये वाला पैटर्न आने वाला है। एंड इसका ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा था, आप साथ में देख सकते हो कि ब्लाउज के साथ ये साड़ी वेयर करने पे कितनी प्यारी लग रही थी। एंड ये पार्टी वेयर साड़ी है, आप वेडिंग वगैरह में भी इस साड़ी को वेयर कर सकते हो, बट मोस्टली ऐसी साड़ियाँ अगर आप पार्टी में या फंक्शन में पहन के जाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगी, एंड ये कुछ डिफरेंट एंड यूनिक लगेगा। तो इस साड़ी के बारे में आप क्या कहते हो, आपको ये साड़ी कितनी अच्छी लगी कितनी नहीं? तो नेक्स्ट वाली साड़ी हमारी ये है, एंड ये वाली साड़ी भी ऑर्गेन्जा साड़ी है, जो कि मैंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। कुछ टाइम से सभी साड़ियों में कुछ ना कुछ मिक्स आ ही रहा है। एंड ये वाली डिज़ाइन देखिए, पहले ये वाला पैटर्न आता था बनारसी साड़ियों में, अब मोस्टली सभी साड़ी के अंदर ये वाला डिज़ाइन ऐड कर दिया। एंड इसमें देखो डिफरेंट लुक ये है कि इसमें पैटर्न के साथ साथ कुछ वर्किंग काम भी किया गया है, तो ये साड़ी इस वजह से भी थोड़ी अच्छी लग रही है। देखिए, और इस साड़ी के साथ में जो ब्लाउज आया था ना, वो सेम साड़ी का कलर था, तो मैंने वो स्टिच नहीं किया है अभी। एंड इस साड़ी में जो ये बॉर्डर दिया हुआ है ना, बॉर्डर के पास में पतली सी पाइपिंग दी हुई है, ये देखिए इस टाइप के इसमें लटकन लगे ना, उसी टाइप का हमारा ब्लाउज है। एंड ये साड़ी से अलग ब्लाउज है, बट मैंने इसके साथ वेयर कर लिया, एंड ऐसे लग भी नहीं रहा ना कि ये वाला ब्लाउज साड़ी का नहीं है, बट एक्चुअली ये साड़ी का ब्लाउज नहीं है, साड़ी का ब्लाउज सेम इसी टाइप का है, जो कि मैंने अभी स्टिच नहीं किया है। एंड मैंने इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके साड़ी को वेयर करा है, तो आप बताओ आपको ये साड़ी कैसी लग रही है और कैसी नहीं। तो ये था आज की साड़ियों का कलेक्शन, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और हाँ, कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसके लिए आप कमेंट जरूर करना, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ध्यान रखो अपना।